हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इस दुनिया में बहुत ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं चलता है। एक से बढ़कर एक ऐसी ऐसी रोचक जानकारियां होती हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं होता है। लेकिन दोस्तों, आज की हम अपने इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे ऐसे फैक्ट्स से रूबरू करवाने वाले हैं जिसे सुनने के बाद आप कहेंगे, ओ माय गॉड, दैट वाज क्रेजी। दोस्तों, बस आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एकदम लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिरी दो फैक्ट्स तो सबको चौंकाने वाले हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये नेक काम भी आप कर ही दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया एपिसोड। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि यूनिवर्स की सबसे ठंडी जगह कौन सी है तो आप क्या जवाब देंगे? आपको लगेगा कि वो चांद होगा, तो बता दूं कि ये गलत जवाब है। आपको लगेगा कि ये कोई और ग्रह हो सकता है, तो ये भी गलत जवाब है। आपको बता दें कि यूनिवर्स की सबसे ठंडी जगह कहीं और नहीं बल्कि धरती पे ही है। जी हाँ, क्या आप इमेजिन भी कर सकते हैं कि वो चांद जहाँ टेम्परेचर -378 डिग्री तक चला जाता है, उससे भी ठंडी जगह है हमारी धरती पर। जी हाँ, ये बात सच है दोस्तों कि दुनिया की सबसे ठंडी जगह इस धरती पे है और उसे यहाँ के साइंटिस्ट ने बनाया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक काम किया गया था फिनलैंड की एक लैबोरेटरी में जहाँ का टेम्परेचर था -459 फारेनहाइट। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये वाकई में इस धरती पे हो चुका है? जी हाँ दोस्तों, ये बात 100% सच है। यहाँ के साइंटिस्ट ने एटम को फ्रीज करने के लिए एक काम करके दिखा दिया। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन जरा ये भी देख लीजिए कैसे यहाँ पर एटम को फ्रीज किया गया है। क्या बात है। कहने का मतलब ये है कि वो कोई भी ऐसा काम नहीं है जो कि इंसान अपने लिए संभव न बना दे, है कि नहीं दोस्तों? दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारी यूनिवर्स का एक अपना ही टेस्ट है? जी हाँ, जैसे हम खाना खाते हैं वैसे ही दोस्तों हमारे यूनिवर्स का अपना टेस्ट होता है। आपको लगेगा कि ये कैसे पॉसिबल है, तो चलिए आज हम आपको इसके बारे में भी बता देते हैं। दोस्तों, यूनिवर्स का टेस्ट कैसा है, इसके लिए कुछ स्पेस साइंटिस्ट ने मिल्की वे के आसपास के डस्ट को चखा था, तो उसका स्वाद सबसे टेस्टी फ्रूट्स में से एक था जिसका नाम है रास्पबेरी। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि ऐसा भी हो सकता है? आज तक शायद ही किसी को इसके बारे में पता होगा कि हमारे यूनिवर्स का स्वाद रास्पबेरी की तरह है। आपको बताने की किस तरह से इस बात को प्रूव किया गया। दोस्तों, सबसे पहले जब मिल्की वे से डस्ट पार्टिकल्स को उठाया गया तो उसके बाद उसे चेक किया गया, तो पता चला कि इसमें यानी कि डस्ट में भी वही एटम्स थे जो कि रास्पबेरी में होती है। और ये बात प्रूव हो गई कि हमारे यूनिवर्स का अपना ही टेस्ट है और ये टेस्ट बहुत ही बढ़िया है, यानी कि रास्पबेरी की तरह। वैसे अगर आपको ये टेस्ट करना हो तो आपको भी स्पेस जाने की जरूरत पड़ेगी। वैसे दोस्तों, आप सबको ये बात तो पता ही है कि हमारी टीम आपके लिए दिन रात काम करती है। हमारी टीम आपके लिए खूब मेहनत करती है और हम रोज ही आपके लिए एक से बढ़ के एक वीडियोस बनाते हैं। आप सबों से यही रिक्वेस्ट है कि आप कम से कम अपना प्यार दिखाएं और इस वीडियो को 30,000 से ज्यादा लाइक्स तो जरूर दें। दोस्तों, क्या आप यकीन कर सकते हैं कि हमारे लंग्स का सरफेस एरिया इतना होता है कि अगर इसे फैला दिया जाए तो कम से कम एक टेनिस कोर्ट को कवर किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपको ये फैक्ट शॉक कर सकती है, पर ये 100% सच है। अब खुद ही सोचिए कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। हमारे लंग्स तो बहुत छोटे होते हैं, लेकिन दोस्तों जब इसे स्ट्रेच किया जाता है तो ये इतना बड़ा हो सकता है कि ये पूरा का पूरा टेनिस कोर्ट कवर कर सकता है। क्या आपको इस फैक्ट के बारे में पहले से पता था? नहीं ना। दोस्तों, अब एक और चौंकाने वाला फैक्ट आप सुन लीजिए। क्या आपको पता है कि हमारे शरीर का वो कौन सा पार्ट है जिसे अगर आपने पानी पे छोड़ दिया तो वो तैरने लगेगा? सोचिए सोचिए। जी हाँ, एक ही ऐसा बॉडी पार्ट है दोस्तों, बाकी सब तो डूब जाते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि इस बॉडी पार्ट का नाम भी लंग्स ही है। लंग्स एकमात्र ऐसा बॉडी पार्ट है जो कि कभी पानी में नहीं डूबता, अदरवाइज सारे के सारे दूसरे बॉडी पार्ट्स पानी में डूब जाते हैं। दोस्तों, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे भी हम आपको इसी तरह के एक से बढ़कर एक फैक्ट्स बताने वाले हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि किसी लड़के का बेटा होगा या शादी के बाद बेटी होगी, इसे भी साइंटिफिकली बहुत बार सही तरीके से प्रिडिक्ट किया गया है। जरा सोचिए ये कैसे हो सकता है, क्योंकि किसी के पेट में कौन सा बच्चा पल रहा है ये कोई नहीं बता सकता। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको कोई बताएगा भी नहीं, क्योंकि ये एक क्राइम है। ऐसे में कैसे कोई कह सकता है कि किसी भी लड़के को बेटा होने वाला है या बेटी होने वाली है? दोस्तों, आपको बता दूं कि एक रिसर्च में ये बात पता चली है कि अगर किसी लड़के की ज्यादा बहनें हैं तो ऐसे में पूरी संभावना बन जाती है कि उस लड़के की बेटी होगी। वहीं अगर किसी लड़के के ज्यादा भाई हैं तो ऐसे में पूरी संभावना होती है कि उसे लड़का होने वाला है। लेकिन ये कैसे होता है? दोस्तों, आपको बता दूं कि साइंस के मुताबिक जिस लड़के की ज्यादा बहनें होती हैं वो ये कैरेक्टर अपने माँ बाप से ले लेते हैं, और ऐसे में उनकी भी बेटी होने की संभावना बढ़ जाती है। पर दोस्तों, जिस लड़के के ज्यादा भाई होते हैं उनका बेटा होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि ये कैरेक्टर भी उन्होंने अपने पेरेंट्स से लिया होता है। क्या बात है। क्या आपको पता था इस अमेजिंग फैक्ट के बारे में? दोस्तों, क्या आपको पता है कि जब आप सुबह उठते हैं और जब आप रात में सोते हैं तो उस समय आपकी लंबाई में बहुत अंतर होता है? जी हाँ दोस्तों, आपको लगेगा कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, लेकिन आपको बता दूं कि ये सच है। आप कभी भी अपनी लंबाई जब सोकर उठते हैं उस समय जांच लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपकी लंबाई कितनी है। और उसके बाद जब आप सोने से ठीक पहले एक बार अपनी हाइट को नापेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना डिफरेंस है। जी हाँ, ये रियलिटी है,
हालांकि लोगों को लगता है कि लंबाई तो सेम ही होती होगी, लेकिन आपको बता दूं कि ये सच्चाई नहीं है, सच्चाई कुछ और ही है। आपको एक बार खुद ही चेक करने की जरूरत है और उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। क्या आपको पता है कि चिंपांजीज को सबसे अच्छा बेस्ट फ्रेंड माना जाता है जानवरों में? जी हाँ, ये एनिमल ऐसा होता है जो कि अपने बेस्ट फ्रेंड के बिना रह ही नहीं पाता। आपको लगेगा कि ये जानवर कब से बेस्ट फ्रेंड बनाने लग गए, तो आपको बता दूं कि ये बहुत ही पहले से चलता हुआ आ रहा है। चिंपांजी तो हमेशा से ही अपने दोस्तों के साथ ही रहते हैं। ये ऐसे जानवर होते हैं जो कि उन्हीं के साथ घूमते हैं, उन्हीं के साथ खेलते हैं और सबसे बड़ी बात है कि उन्हीं के साथ मस्ती करते हैं, खूब हंसते हैं। रिसर्च ने भी इस बात को प्रूव कर दिया है कि अगर किसी चिंपांजी का कोई दोस्त ना हो तो इनकी मौत जल्दी हो जाती है। हालांकि ये बात सिर्फ चिंपांजीज पे ही लागू नहीं होती, ये बात लागू होती है हम इंसानों पर भी। अगर आपके पास अच्छे दोस्त हैं तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं, नहीं तो लाइफ बोरिंग हो जाती है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक अर्चर फिश एक ऐसे कमाल के फिश है जो कि किसी भी इंसान का चेहरा पहचान सकती है? कैन यू इमेजिन कि कोई मछली किसी इंसान को पहचान जाती है उसके फेस को देखकर? जी हाँ दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि अभी कुछ ही दिनों पहले एक रिसर्च किया गया था जिसमें इस बात का पता चला कि वाकई में अर्चर फिश किसी भी इंसान के चेहरे को आराम से पहचान सकती है। क्या बात है, अभी तक हम यही सोच रहे थे कि मुट्ठी भरी ऐसे जानवर या जीव हैं जो कि इंसानों को उनके चेहरे से पहचान पाते हैं, लेकिन अब देखिए कि कैसे अर्चर फिश पे भी ये चौंकाने वाला फैक्ट सामने आया है। इसीलिए भाई लोगों, इस मछली के सामने कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करना है, नहीं तो ये आपको पहचान जाएगी। दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि जब हम सोकर उठते हैं तो हम कहीं ज्यादा लंबे होते हैं, वहीं दोस्तों सोते वक्त हमारी हाइट थोड़ी कम हो जाती है। क्या आपको पता है कि ये बात किसी और चीज पे भी एप्लीकेबल होती है? जी हां, आपको बता दूं कि ये फ्रांस का एफिल टावर भी ऐसा ही है। जी हां, आपको जानकर हैरानी होगी कि हर मौसम में स्टार की लंबाई बदल जाती है। जी हां दोस्तों, ये बात 100% सच है, हर मौसम में स्टार की लंबाई बदल जाती है। आपको सुनकर लग रहा होगा कि ये कैसे हो सकता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले कहा जाता है कि जैसे ही गर्मी का मौसम आता है तो स्टील से बना एफिल टावर कुछ बड़ा हो जाता है। जी हाँ, ये सच्चाई है, लेकिन जैसे ही ठंड का मौसम आता है अचानक ही इसकी लंबाई कुछ कम हो जाती है। आपको ये बात तो पता ही होगी कि स्टील धूप में ज्यादा लंबा हो जाता है और यही वजह है कि एफिल टावर की लंबाई भी बढ़ जाती है, वहीं ठंड में इसकी लंबाई कुछ कम हो जाती है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जो इंसान सबसे ज्यादा हंसता है, हो सकता है वो अंदर से उतना ही टूटा हुआ हो? जी हाँ दोस्तों, ये बॉलीवुड का कोई गाना नहीं है बल्कि एक सच्चाई है। आपको बता दूं कि ये बात साइंस ने भी मान ली है कि जो इंसान जितना दुनिया को हंसाता है, हो सकता है कि वो उतना ही अंदर से दुखी हो। कहते हैं जो इंसान डिप्रेशन के शिकार होते हैं वो भी लोगों के बीच में आकर बहुत ज्यादा हंसते हैं। क्या बात है, हालांकि इसका मतलब ये नहीं होता है कि दुनिया में सब हंसने वाले लोग डिप्रेशन के ही मरीज हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि जब कोई इंसान आपको बात बात पे हंसता हुआ दिखे या अपने दोस्तों के साथ आपको बहुत खुश दिखे लेकिन अकेले में एकदम चुपचाप, तो समझिए कि वो किसी मेंटल हेल्थ इश्यू से गुजर रहा है। ऐसे में दोस्तों, आप अपने दोस्तों की मदद करें। दोस्तों, अब हम आपको लास्ट में एक ऐसा फैक्ट बताने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद लड़कियां हो सकता है कि कॉफी पीना ही बंद कर दें। दोस्तों, क्या आप यकीन कर सकते हैं कि रिसर्च में पाया गया है कि कॉफी पीने वाली लड़कियों का ब्रेस्ट छोटा हो जाता है उन लड़कियों के मुकाबले जो कॉफी नहीं पीती? शॉकिंग है ना। दोस्तों, ये बात तो आप भी जानते होंगे कि कॉफी में होता है कैफीन जो कि आपको पतला करता है, जो इंसान के शरीर के फैट को बर्न करता है। इसी वजह से कई मोटे लोग कॉफी पीते हैं ताकि वो पतले हो जाएं। लेकिन जब लड़कियां कॉफी का सेवन शुरू कर देती हैं तो मामला खराब हो जाता है क्योंकि इनका ब्रेस्ट बहुत छोटा हो जाता है। आपको लग रहा होगा कि ये तो संभव नहीं है, तो आप रिसर्च डॉक्यूमेंट्स को रीड कर सकते हैं और आप पाएंगे कि साफ साफ मेंशन किया गया है कि जो लड़कियां कॉफी पीती हैं उनके ब्रेस्ट छोटे हो जाते हैं। ये बात तो सब जानते हैं कि आजकल सुंदरता को आपकी पूरी बॉडी की बनावट से देखा जाता है। आप कितने सुंदर हैं वो सिर्फ आपके चेहरे से पता नहीं चलता। ऐसे में दोस्तों, अगर आपके पास अच्छे बॉडी पार्ट्स हों, अच्छे शेप में हों, तो दुनिया आपको अट्रैक्टिव मानती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो पे कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि हम आपके लिए रोज ही इस तरह के वीडियोस बनाते रहते हैं। दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।